So, ladies and gentlemen, welcome to Maga Academy, the School for Learning Science. आज का टॉपिक हमारा है प्रीएम्बल, पहला पेज कॉन्स्टिट्यूशन का और बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज जो उसके सारे डायमेंशंस को, उसके सारे कैरेक्टर्स और उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को समझाता है और उसके गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं उसको अच्छे से बताता है। ये हमारा कोड और कोड देने का इनिशिएटिव है मागा एकेडमी के थ्रू, क्योंकि हमें ये वी बिलीव दैट रिवीजन इज़ अ की टू सक्सेस और रिवीजन इज़ अ की फॉर क्वालिफाइंग एनी ऑफ द एग्जाम। सो दिस इज़ अ रिवीजन कोड्स एंड वी वांट इस इन कोड्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक प्रीलिम्स के लिए जिसमें आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दी जाएगी और एक मेंस के लिए जिसमें आपको कॉन्सेप्चुअल इंफॉर्मेशन दी जाएगी। द प्रीएम्बल का ये फैक्चुअल पार्ट है प्रीएम्बल का, जिसका कोड है ABCD। इफ़ यू वांट टू रिमेंबर दिस ABCD क्या है, इसको मैं आपको शॉर्ट में पहले ही बता देता हूँ, उसके बाद हम इसे डिटेल में डिस्कशन कर लेंगे। अमेंडमेंट, पहला ए है अमेंडमेंट से, जो कि 42nd अमेंडमेंट हुआ है प्रीएम्बल में। अभी तक एक ही अमेंडमेंट इसमें हुआ है, इसमें दो वर्ड्स ऐड किए गए हैं, इनफैक्ट थ्री वर्ड्स ऐड किए गए हैं, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। पहले ये SDR था, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और अब ये है सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ओके, और इंटीग्रिटी वर्ड यूनिटी के साथ ऐड हुआ है, ये तीन वर्ड्स यहाँ पर ऐड हुए हैं। नेक्स्ट हम मूव करेंगे तो यहाँ पर बैरूबरी केस है, नेक्स्ट केशव नंदन भारती केस है। इन दोनों केसेस ने विथ टाइम इवॉल्व किया है प्रीएम्बल की वैल्यू, और इस केशव नंदन भारती केस के बाद जो वैल्यू, जो पोजीशन, जो प्लेस प्रीएम्बल की तय हुई है उसको हम DPSP से कंपेयर करके समझेंगे और डी से और डेट को भी समझा जा, याद रखा जाना चाहिए, 26 नवंबर 1949। तो इसमें चलिए आगे बढ़ते हैं, इस सेशन को आगे लेते हैं, और हमारा इनिशिएटिव मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कोड बेस्ड है, फॉर प्रीलिम्स के लिए फैक्चुअल एंड कॉन्सेप्चुअल फॉर द मेंस। वी विल आल्सो बी प्रोवाइडिंग यू, हम आपको क्वेश्चन आंसर्स भी देंगे मेंस के, कि कैसे मेंस के क्वेश्चन आंसर लिखे जाने चाहिए इन मेमोरी कोड्स को यूज़ करके। और ये बायलिंगुअल है, इंग्लिश के भी वीडियो बनते हैं और हिंदी के भी वीडियो बनते हैं, हिंदी में भी। थैंक यू। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें बैरूबरी केस में ये बोला गया कि प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप इसके मायने समझिए, जो सुप्रीम बुक है कॉन्स्टिट्यूशन, अगर उसमें से कोई पार्ट को निकाल दिया जाता है या कोई पेज को उसमें से अलग कर दिया जाता है तो उसकी वैल्यू उसी तरह है जिससे पार्लियामेंट में अदर डॉक्यूमेंट्स रखे हुए। इस वैल्यू को प्रीएम्बल, इस डिसीजन ने, सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन ने प्रीएम्बल की वैल्यू कुछ भी नहीं छोड़ी थी, लेकिन केशव नंदन भारती केस में इस वैल्यू को फिर से रिस्टोर करा गया और यह बोला गया कि प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हम उसे अपने जजमेंट में, सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट में उसको कंसीडर कर सकता है, और यहां तक भी बोला गया कि इसको पार्लियामेंट के आर्टिकल 368 के द्वारा अमेंडमेंट किया जा सकता है, मगर बेसिक स्ट्रक्चर को बिना चेंज किए। आगे अगर इसका एनालिसिस करें तो हम प्रीएम्बल को एनालाइज करते हैं DPSP से। DPSP नॉन जस्टिसेबल है और प्रीएम्बल भी नॉन जस्टिसेबल है, और दोनों में ये सिमिलरिटी है पर एक डिफरेंस भी है कि DPSP पॉलिसी और प्रोग्राम के पीछे एक गवर्नमेंट की मंशा को दर्शाना चाहिए, गवर्नमेंट के इंटेंशंस जो होते हैं वो DPSP से डिराइव होने चाहिए, पर प्रीएम्बल ऐसा लेजिस्लेशन का सोर्स नहीं बनता है। और अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए, DPSP और प्रीएम्बल को, फंडामेंटल राइट से, तो फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल हैं, आप कोर्ट में उनको लेके जा सकते हैं अगर आपको नहीं मिलेंगे तो, और वो पॉलिटिकल राइट्स हैं, ये जो हमारे DPSP और प्रीएम्बल हैं, DPSP मेनली सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को शो करते हैं।
ओके फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मेंस का लेक्चर, मेंस के कॉन्सेप्ट्स प्रोवाइड कराएंगे प्रीएम्बल के। थैंक यू वेरी मच।